आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में समाज सेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा बिहार भ्रमण के दौरान गुलाबबाग पहुंचे। गुलाबबाग के व्यापारियों ने गुड्डू बाबा का भव्य स्वागत स्थानीय भगत मार्केट में किया। बताते चले कि गुड्डू बाबा जनहित याचिकाओं के द्वारा गौशाला ड्रग माफिया जैसे घोटालों को उजागर किए हैं। उनके द्वारा अभी तक 81 जनहित याचिकाएं लगाई जा चुकी है और अब पूरे बिहार में घूम घूम कर युवाओं को जागृत कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि राजनेताओं के द्वारा राजनीति को बदनाम किया गया है ताकि अच्छे लोग राजनीति में ना सके, जिससे नेताओं का भ्रष्टाचार जारी रहे, जबकि हर भारतीयों का भविष्य राजनीति और राजनेता ही तय करते हैं। इतना ही नहीं, गुड्डू बाबा ने यह भी कहा कि बिहार भ्रमण के दौरान ऐसे युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं जो ईमानदारी की राजनीति में जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए वो प्रेरित भी करेंगे और बिना पैसा खर्च किए जीत का मूल मंत्र भी देंगे। वहीं खाद व्यापारियों के भयादोहन के प्रकरण में बाबा ने कहा कि इस कोरोना काल में भी अफसर अपने भ्रष्ट आचरणों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना काल में जिले के विक्रेताओं को नोटिस निकालकर स्टॉक रजिस्टर सत्यापित करवाने के लिए जिला कार्यालय बुलाना, जबकि जिले के हर प्रखंड में प्रखंड कृषि पदाधिकारी तैनात हैं और रजिस्टर का जांच व सत्यापित करने का प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अधिकार भी है, इसके बावजूद कोरोना काल में व्यापारियों को जिला कार्यालय बुलाना कहीं ना कहीं भयादोहन की ओर इशारा करता है। और सरकार जल जीवन हरियाली का ढोल पीट रही है, आप ढोल पीटते रहिए। एक ऐसा फकीर सड़कों पर निकला है कि वो प्रयोग करके प्रैक्टिकल करके जगह जगह पर जाकर के आपको वास्तविकता से अवगत करा देगा। वैसे मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े राजनीतिक उद्योगपति हो चुके हैं, राजनीतिक मठाधीश आप लोग हो चुके हैं। लेकिन इस बार का जो जंग होने जा रहा है एक ऐसे फकीर के साथ होने जा रहा है जिसके पास एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, लेकिन बिहार की सरकार को हमने 1,00,000 करोड़ की संपत्ति आज तक बचा कर दे दिया है। गुड्डू बाबा का नाम है भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ, और मैंने जो निर्णय लिया है कि सामाजिक लोगों की तलाश कर उन्हें बिना पैसे का कैसे चुनाव होता है, प्रयोग भूमि बिहार को बनाने जा रहे हैं। और इसलिए ये घूम रहे हैं कि हमारा बिहार ही नहीं देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए का जो कॉन्सेप्ट था लोकतंत्र का, वो खत्म हो चुका है। जितने महानायक, जितने राष्ट्रनायक हमारे थे, बिहार की माटी महात्मा बुद्ध की माटी है, वीर कुंवर सिंह की माटी है, राजेंद्र प्रसाद की माटी है, जेपी की माटी है, सारे महात्मा जितने राष्ट्रनायक थे उनकी आत्माएं कराह रही हैं। और निश्चित तौर पे हर रिलीजन एक्सेप्ट करता है कि आत्माएं अमर है। सारे महापुरुषों की आत्माएं गुड्डू बाबा के माध्यम से बिहार की माटी को, की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बिल्कुल दिन रात मैं सो नहीं पाता हूं, लेकिन आप मुझे कभी भी तलाशेंगे तो मेरे अंदर वही स्प्रिट है, वही आवाज है, और मेरी आवाज दिन पर दिन ऊपर वाला बुलंद करते चला जा रहा है। क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है, ये बिहार की अस्मिता की आवाज है, बिहार की माटी की आवाज है। और बिहार की माटी से जो अग्नि उठने जा रही है पूरे देश तक जाएगी, क्योंकि इस देश का 10,00,000 करोड़ रुपया राइट अप हुआ है। हम लोग उस देश के वासी हैं। जो एक किसान यदि ट्रैक्टर के लिए लोन लेता है, नहीं चुका पाता, तो उसके यहाँ घर की कुर्की जब्ती होती है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों हजार करोड़ रुपया लोन लेने वालों को हमारी माननीय वित्त मंत्री ने अभी जो दिया था 20,00,000 करोड़ का पैकेज, बैड लोन को राइट लोन दे करके क्लियर करने का, माफी करने का एक साजिश चल रहा है इस देश में। और ये 144 करोड़ की लागत से जो अभी हुआ है LCD टीवी से प्रचार हुआ है, यह वही सारे पैसे हैं, उसी तरह के पैसे हैं। और एक और जानकारी दे रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं होगा, जानकारी ये दे रहे हैं कि पिछले सरकार ने, केंद्र में बैठी हुई सरकार ने एक पॉलिटिकल बॉन्ड लाया। पॉलिटिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि अब काले धन को उजला करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था सरकार के पास में। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी बड़ा लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, वो जाकर के स्टेट बैंक का बॉन्ड खरीदेंगे और सिर्फ वो बता देंगे कि किस पार्टी में उनका पैसा जाना है और उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। इससे बड़ा काले धन को उजला करने का क्या उपाय और हो सकता है? क्योंकि जो लोग भी उनको करोड़ों, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देंगे, उनको पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से सहायता करेंगे, तो मुफ्त का उनको नहीं देंगे। निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं, यह बिहार की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई होने जा रही है। बिहार के माध्यम से, पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से यह सरकार जो आई थी काला धन करते चिल्लाती थी, वह सब खत्म हो गया है।
नई परिपाटी आजादी के 73 साल के बाद इस देश में हो गई। पॉलिटिकल बॉन्ड लाया गया, पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को उजला करने का हमारी माननीय वित्त मंत्री जो घोषणा कर रही थी और अमित शाह जी जो भी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक नया तरीका दिया है और आम लोग गरीब जान क्या पा रहे हैं। बैंक का पैसा गरीबों का होता है, आम लोगों का होता है, और उस पैसे को जाकर लोग राइट अप कराते हैं। यह बिहार की अग्नि से उठी हुई जो आजादी की लड़ाई है, सच पूछे तो यह आजादी की लड़ाई है और इसकी शुरुआत बिहार की माटी पर विकास चंद्र गुड्डू बाबा के द्वारा किया जा चुका है। जिनके पास एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, और आपके बाबा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष यह एफिडेविट पर क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है। खुली चुनौती है, यदि कोई ऐसा बिहार का दूसरा लाल है बिहार में कोई राजनेता, तो आकर के गुड्डू बाबा से डिबेट कर लो। हर विभाग पर बोलेंगे, चाहे पशुधन का मामला हो, गौशालों को बचाने की बात हो, आपके गुड्डू बाबा सामने खड़े होते हैं। मेडिकल कॉलेज की जमीन बचाने की बात होती है, गुड्डू बाबा खड़े होते हैं। लोगों के अस्पतालों में आज बता रहे हैं कि 3.55 की पावरोटी इस बिहार में मिलती थी अस्पतालों में। मेरा वो संघर्ष था कि पावरोटी हाईकोर्ट में जाकर दिखाए थे, आज 100 रुपए की जो राशि मिलती है गुड्डू बाबा का संघर्ष है। अभी पूर्णिया में एक खाद प्रकरण चल रहा है, एक खुदरा खाद भी खत्म किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोग कल इस खबर को छापें कि गुड्डू बाबा के यहाँ के लोगों ने खाद संस्करण या क्या जो मामला उनके सामने लिया है, उनकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि गुड्डू बाबा एक नाम ऐसा है कि उनके नाम से गलत लोग कांपते हैं, थर्राते हैं। और चूंकि मैं फिर दोबारा आएंगे, चूंकि अभी हमारा ये जस्ट स्टार्ट लिए हैं और 300 जिले हमको जाना है, सेकेंड राउंड में जब आएंगे तो एक रात में आप लोगों के बीच रुकूंगा। और पहले मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कि ये जलमीनार महाराज पानी देंगे, और ये पानी नहीं देंगे तो जिन लोगों ने इन्हें बनाया है वो काल कोठरी में चले जाएंगे। कितने होगी? मैं प्रयास करूंगा जाते ही के साथ, ये मंगलवार को इनकी शिकायत जो है मैं लिख दूंगा कंसर्न विभाग को। जनहित याचिका का भी प्रोसेस है कि पहले आप सरकार को लिखेंगे और सरकार जब नहीं करेगी तो आप इसे करेंगे। वैसे मेरा ये संस्कार है, लोग डरते हैं हमसे, क्योंकि मैं अपनी आवाज नहीं लगाता हूँ। ये चुनाव का समय है, उनकी हवा निकल जाएगी कि गुड्डू जलमीनार देख लिया है, नहीं चालू हुआ तो वो मुद्दा बनवा देगा।